हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रूपा स्टॉक। हाजिर आपका दोस्त फिर एक बार न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर एनटीए 2021 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप एनटीए 2021 में ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। और इसी की वीडियो में मैं आपको कुछ बेस्ट बुक्स भी आपको रिफ़र करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं कोचिंग्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन अपने इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई रहता है तो वो है प्लानिंग। तो यहाँ पर आपको एनटीए 2021 में अगर आपको बेस्ट स्कोर अचीव करना है तो आपको एक बेस्ट प्लान भी बनाना रहेगा। तो इस प्लान को बनाने के लिए आप चाहे तो अपने स्कूल की फैकल्टीज़ या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट के मेंटर्स की या फैकल्टी की भी आप हेल्प लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप खुद भी अपना बेस्ट प्लान बना सकते हैं, जिसमें आपको सुबह मॉर्निंग से लेकर के टिल नाइट तक की पूरी स्टडी प्लानिंग का आपको एक पूरा टाइम टेबल बनाना रहेगा, राइट। तो इसमें आप चाहे तो किसी भी बेस्ट पर्सन की आप हेल्प लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस। अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन में बेस्ट स्कोर पे परफॉर्म करना है तो आपको उस एग्जामिनेशन का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आकाश ने भी अपना एनटीए के लिए सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस के टैब में चले जाना है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पहले देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको नीचे सिलेबस देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्लासेस के हिसाब से एग्जामिनेशन का पैटर्न और क्लासेस के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर आपको मोस्ट प्रॉब्ली एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, जिसमें 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो MCQ टाइप के रहेंगे और एक घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपके 90 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी सारे स्टूडेंट को एक बार सजेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड जरूर कर लें। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न और एग्जामिनेशन का सिलेबस भी पता होना जरूरी रहेगा, तो इस चीज को भी आपको फॉलो करना है। द नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको परफेक्शन बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एनटीए 2021 के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम MCQ टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहेगी, जिसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और उसी के साथ साथ कुछ बुक्स भी आपको मैं रेफर करने वाला हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, राइट। तो उसको भी आप फॉलो ज़रूर से करें और उसी के साथ साथ आपको जो भी टॉपिक्स वीक है उस पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि उसमें परफेक्शन आपका और भी ज़्यादा बेटर हो, राइट। और जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उसकी भी आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहे। तो इसी तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसीलिए कहा गया है। सो इसीलिए आपको प्रैक्टिस पे काफी ज्यादा फोकस भी करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क योर डाउट। आपकी स्टडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वह यही है आस्क योर डाउट। चाहे कितने भी टॉपर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डाउट्स तो आने ही है। और आपको डाउट्स आते हैं इसका मतलब यह है कि आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि डाउट्स उन्हीं को आते हैं जो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आपको डाउट्स आता है तो उसे एक छोटी सी नोटपैड में नोट डाउन कर ले और जब भी अपनी फैकल्टी या अपने मेंटर से मिले तो उस डाउट को क्लियर जरूर से कर ले, क्योंकि अगर आप डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे तो आप आगे के स्टेप्स को समझ नहीं पाओगे। तो कोशिश यही करिएगा कि आप जितना हो सके उतना जल्दी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए, राइट। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स फॉर एनटीए 2021। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना रहेगा कि यहाँ पर आकाश एनटीए का जो सिलेबस है वो आपका टोटली NCERT बेस्ड रहता है, राइट। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी रिस्पेक्टिव बोर्ड से हो, आपको यहाँ पर एनटीए का एग्जामिनेशन देना है तो आपको टोटली NCERT सिलेबस फॉलो करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के लिए यहाँ पर आपको मैं आकाश के मॉड्यूल को सजेस्ट करूंगा और उसी के साथ साथ जो पियर्सन का IIT फाउंडेशन की जो बुक्स है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको खास तौर पर आकाश की बुक में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के लिए आकाश के मॉड्यूल्स और पियर्सन के जो IIT फाउंडेशन की जो बुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सकती है, राइट।
फिर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो यहाँ पर आपको कोई और बुक्स पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी थोरोली अच्छे से पढ़ते हैं और उसे समझते हैं तो आपका एनसीईआरटी सबसे बेस्ट रहेगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। और अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई बुक को रीड करना है तो वो आकाश का मॉड्यूल आप रीड कर सकते हैं, जिसमें आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी सजेस्ट करूँगा, आप थोरोली पूरा एनसीईआरटी को ही फॉलो करें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, वो सबसे बेस्ट बुक रहेगी। और इसके अलावा भी एक बुक है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, वो है सिंगेज की बुक, राइट। सिंगेज पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आकाश के एंटायर प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखने के मिलेंगे, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रो टिप्स और बेस्ट बुक फॉर एंड द 2021 प्रिपरेशन। दोस्तों ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।